जुलम कर रहे हैं इन लोग। क्या रोज से ढरा है तुम्हारे कैडर जी? क्या रोज से बोल के लगे आपको? मेरे को बोला था इन्हें रोज से नहीं बोलना, रोज को 200 रुपए दे तो अच्छा खाना खिला तो कपड़े दे तुम बोल के लेके आया। सुबह से मेरे को लाश ऐसा मार रहा, सुबह से लाश ऐसा मार रहा मेरे को, कुछ नहीं बोलना। काम करो तू कहाँ गए थे? बोला 3 महीने से फ्री में खिला रहा। बोले कहाँ गए तू? 3 महीने से यार संगम, 3 महीने से तमिलनाडु का है। ये देखो भाई, ये नाम क्या पढ़ो भाई जरा, ये नाम क्या पढ़ो? धंधा बना के रखे सालों ने, हरा झंडा है, हरा चादर है के पास से। सभी मेरे भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद असलम है, मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ भाई। मैं आंध्रा में 4 महीना हुआ, फिर वहाँ से थोड़ा काम के लिए मैं नांदेड़ को आया। नांदेड़ में एक औरत एक लड़का मिले मेरे को, बोले भाई रोज़ का 200 रुपये दे देते तुम्हारे को, हम ऐसा चलो बस्ती में मांग लेंगे, भी मांग लेंगे बस्ती में, हम तुम्हारे घुमाएंगे, तुम्हें खाना देंगे, रोज़ 200 रुपये देंगे। बोल के मेरे को बुला के ले गए। मैं समझा बरसात की दिन है, मेरे को कुछ काम हो जाएगा ना भाई, बोल के मैं आया भाई नान साथ में। यहाँ आने के बाद मेरे को पता चला बहुत जुलम कर रहे हैं लोग, चादर फैला के भीख मांग रहे हैं। और बस्ती में मेरे जैसे माजर हो, 4 दिन से मेरे से रख के कमाए, रोज़ 3,000, 3,500, 4,000 रुपये कमा रहे हैं इन लोग। कमा के शाम हुआ तो जैसा डेरे पे आए वैसा 3-3 चीज़ की नशा कर रहे हैं। एक चरस है, एक गंजा है, एक दारू है, ये 3 चीज़ का भी वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे भाया, मेरे बहना, मेरे माँ, ऐसे लोग हैं बस्ती में एक्टिंग करके आते, लंगड़ा बन के आते, औरतें भी लंगड़ा बन के एक्टिंग करके आते, और आदमी लोग लंगड़ों को बिठा के टहलते हुए आते। ऐसे लोगों को ज़िंदगी में कभी मदद मत करो, उन लोगों को खैरात मत दो, उन लोगों को पूरे के पूरे वो लोग सही नहीं है, पूरा कोशिश ज़ात है, वो क्या है पता नहीं उन लोगों का, बहुत जुलम करते हैं वो लोग। कभी ज़िंदगी में उन ऐसा आए तो उनको खैरात मत दियो, अल्लाह तुम्हारे को अच्छा रखे। मैं फिर इन लोगों से छुटकारा लेने के लिए मैं फिर वापस तमिलनाडु को जा रहा हूँ, तुम्हारे से जो हुआ तो मेरे को मदद करो भैया।